सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 तक लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं अपलोड कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो आप जरा ध्यान से सुने और अपनी बुक को अपने साथ रखें। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। क्या स्टेटमेंट है कि कोई निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है और भाई ठेकेदार को बोल दिया गया है कि भाई तुमने ये काम इतने फिक्स टाइम में पूरा कर लेना है। मान लीजिए उसको 6 महीने का टाइम दिया है, तो उसे 6 महीने में वो काम पूरा कर लेना है। अगर वो काम देर से करता है तो उस पर फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा। और वो जुर्माना कैसे लगेगा कि अगर काम एक दिन लेट हुआ तो वो 200 रुपये जुर्माना देगा, समझे मेरी बात को। 2 दिन लेट हुआ तो वो 250 रुपये जुर्माना देगा। और भाई 3 दिन लेट हुआ काम तो तीसरे दिन वो 300 रुपये जुर्माना देगा। क्लियर, बात समझ आ रही है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी होगी यदि वह काम 30 दिन विलंब से करता है। आपको स्टेटमेंट समझनी है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है कि ठेकेदार को काम मिला हुआ है और वो अगर अपने पर्टिकुलर टाइम पर काम पूरा नहीं करता है तो उसको फाइन देना पड़ेगा। पहले दिन लेट करता है 200 रुपये, अगले दिन 250 रुपये, अगले दिन 300 रुपये और 30 दिन तक। ठीक है, तो ये सब डिटेल आप अपने आप लिखेंगे, स्टेटमेंट आप बनाएंगे कि कैसे लिखेंगे आप, कि या तो थोड़ा सा ठेकेदार द्वारा पहले दिन दिया गया जुर्माना 200 रुपये, ठेकेदार द्वारा देखें भाई ठेकेदार द्वारा प्रथम दिन दिया गया जुर्माना, बेटा जी कितना जुर्माना दिया ठेकेदार ने, 200 रुपये। ठेकेदार द्वारा दूसरे दिन दिया गया जुर्माना कितना है, 250 रुपये। ठेकेदार द्वारा तीसरे दिन दिया गया जुर्माना कितना है, 300 रुपये। एंड सो ऑन। तो दिए गए जुर्माने की जो श्रृंखला बनती है वो श्रृंखला क्या बनी भाई, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। अब आप लिखेंगे, क्योंकि हर दिन जुर्माना समान रूप से बढ़ रहा है तो यह श्रृंखला एपी है। ये बात आप लिखेंगे कि यह श्रृंखला एपी है, जिसमें ए कितना है 200, डी कितना है 50। हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब मैं आपको केवल हिंट्स दे रही हूँ क्वेश्चन के। जो क्वेश्चन लेंथी होगा उसकी मैं लेंथ इन द सेंस कि जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिसमें आपको स्टेटमेंट लिखनी नहीं आएगी, वहां मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगी। अदरवाइज ये सब बातें जो मैं वर्बल बोल रही हूँ आपने लिखनी है। तो भाई ए 200, डी 50 और 30 दिन। भाई 30 दिन का मतलब कितना जुर्माना, तो हमने एस 30 बताना है भाई। पहले दिन 200 दिए, अगले दिन 250 दिए, अगले दिन 300 दिए, अगले दिन 350 एंड सो ऑन। तो 30 दिन तक वो जुर्माना देता रहा, तो टोटल कितना जुर्माना उसने दे दिया। तो भाई SN का फॉर्मूला आपको पता है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए पता है, डी पता है, एन कितना है 30 है, आप इसमें रख दीजिए और कर लीजिए। तो एस 30 कितना हो गया भाई, 30/2 2a, a कितना है 200, तो ये हो जाएगा 400। n की जगह 30 घटा 1 और d के प्लेस पर 50, ये दोनों कैंसिल होकर 30 को 2 से भाग करोगे 15, 400, 30 में से एक गया 29 और 29 को जब आप 50 से करोगे 5 × 45, 5 × 2 = 10 और 4 1450। तो ये आ जाएगा 1450 में 400 जोड़ोगे 1850 और 15 × 0 = 15, 5 = 75, 7 15 × 8 = 120 और 7 = 27, 12 × 15 = 15 और 12 = 27
1,750 रुपये जुर्माना वो ठेकेदार 30 दिन में पे करेगा। तो कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको भाई थोड़ा डराने के लिए, आपका लेवल चेक करने के लिए कि भी आपको एपी समझ आई है या नहीं। स्टेटमेंट को बहुत लंबा कर दिया गया है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो हमने एपी बनाई और हमने 30 दिन के जुर्माने को जोड़ना था, जो कि हमारा S30 हो गया। 16th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। भाई किसी स्कूल में भाई पूरा शैक्षिक प्रदर्शन उनका देखा गया, भाई पढ़ाई में कैसे हैं, को करिकुलर में कैसे हैं, कंपटीशन वगैरह में कैसे हैं, तो 700 रुपये हैं स्कूल मैनेजमेंट के पास, जो कि मैनेजमेंट को बच्चों को बांटने हैं। और कितने पुरस्कार देने हैं, 7 नगद पुरस्कार। मेरी बात को सुने ध्यान से, 7 बच्चों को 700 रुपये बांटने हैं, बराबर नहीं बांटने हैं। स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है। फिर पढ़ें कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। 7 पुरस्कार दिए गए हैं, माना 7 पुरस्कार, ठीक है भाई, ध्यान देंगे, माना 7 पुरस्कार A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। 7 पुरस्कार दिए गए हैं, 7 तो बराबर नहीं है। कहीं आपके दिमाग में आए कि 700 रुपये हैं तो सबको 100-100 दे दो, नहीं, फर्स्ट वाले को ज़्यादा मिलेंगे, सेकंड वाले को उससे कम, थर्ड को उससे कम, फोर्थ को उससे कम, जो बच्चा फिफ्थ पे है उससे कम, सिक्स्थ पे है उससे कम, सेवन्थ को उससे कम। कितना कम, ये है 20 रुपये कम, 20 रुपये कम, यानी माइनस बीस। तो क्योंकि हर अगला पुरस्कार पिछले से 20 कम है, तो अंतर तो बराबर है, तो इसलिए यह श्रृंखला क्या बन रही है भाई, एपी बन रही है भाई। प्रथम पद को हमने मान लिया ए है, और बेटा जी जो सार्व अंतर है वो बुक में बताया गया है, कितना है, माइनस 20 है। एन कितने पुरस्कार हैं, 7 हैं, और 7 का जोड़ यानी एस एन आपका 700 है, बच क्या गया ए। इस स्टेटमेंट से हम ए निकाल लेंगे, और ए निकालने के बाद हम सारे पुरस्कार निकाल लेंगे। तो एस एन का मतलब S7 है 700, फॉर्मूला लगा दीजिए, 7/2 2a प्लस n माइनस 1, n 7 है, 7 में से 1 कम करेंगे तो 7-1, और d नेगेटिव है तो ब्रैकेट जरूर लगानी है, बराबर है 700। इस टर्म को राइट साइड में ले जाइए, 7 ऊपर है नीचे चला जाएगा, 2 नीचे है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये टर्म हमारी बच जाएगी 2a, ध्यान देंगे, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 6 6 2 12 इज इक्वल टू 700 इंटू 2 ऊपर मल्टीप्लाई है भाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, ये बन गया 100, 100 टू जा 200, ध्यान देंगे, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 200, 12 उधर चला जाएगा, यहाँ करते हैं हम, दिस इज 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 200, 2a इज इक्वल टू 200 प्लस 12 यानी 212, 2a बराबर है 212, a बराबर है 212/2 यानी 106 रुपये, यानी पहला पुरस्कार कितना है, फर्स्ट प्राइज जो अपना प्रथम पुरस्कार है A1 वो कितना है, 106। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सारे पुरस्कार बताने, 7 टर्म आपने बतानी है, तो A2 क्या हो जाएगा, 106/20 यानी 86, A3 कितना हो जाएगा, 86/20 यानी 66, हम ठीक कर रहे हैं भाई, 700 और ये हो गया 100 200 212, चलिए देखते हैं, A4 हो जाएगा 66/20 यानी 46, A5 हो जाएगा 46/20 यानी 26,
और यहाँ कुछ गड़बड़ आ गई भाई, 26 घटा 20 यानी 6 1 2 3 4 5 6 ही पुरस्कार हुए, 7 पुरस्कार हैं, हम एक बार फिर चेक करते हैं। और S7 सातों पुरस्कारों का जोड़ हमारा कितना है, 700 रुपये है, और हर पुरस्कार 20-20 कम हो रहा है। तो पहला पुरस्कार 106, चेक करते हैं, n/2 2a + n-1 d - 20 है, दो नहीं है, ये गलती हो रही है, d यहाँ माइनस का 20 है, तो 20 है तो 7 में से 1 गे छे, ये बनेगा बेटा 120, और 200 में 120 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 320। देखा, थोड़ी सी लापरवाही से कहाँ गलती हो जाती है, तो 320 बनेगा, तो a बनेगा 320/2 यानी 160, गड़बड़ हो रही थी ना, तो अब ये सारा अब आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैं फटाफट से यहाँ आंसर लिख देती हूँ, पहला 160, 140, 120, 100, 80, 60 और सेवंथ प्राइस होगा 40 रुपये, और जब आप इन सब को जोड़ोगे तो आपका जोड़ 700 आएगा। तो ये था बेटा जी क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। तो ये आप अगर लाइव क्लास चलती है तो थोड़ा सा बच्चे भी देखे ध्यान दे देते हैं, कई बार हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, तो आप जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा। लास्ट स्टेप आपने जैसे मैंने घटा के लिखा था ना, -20 करके ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, अनुभाग मींस सेक्शन। थोड़ा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्लास और भैया ये इसका है सेक्शन। मान लीजिए पहली क्लास के 2 सेक्शन है, ए और बी, सुने मेरी बात ध्यान से, तो पहला सेक्शन भी एक ही पेड़ लगाएगा और दूसरा सेक्शन भी। सेकंड क्लास के हैं भाई 3 सेक्शन ए बी सी, तो ये सेक्शन भी 2 पेड़ लगाएगा, ये सेक्शन भी 2 पेड़ लगाएगा और ये सेक्शन भी 2 पेड़ लगाएगा। ये है कक्षा और ये होता है अनुभाग। समझ आ रही मेरी बात आपको कि हर क्लास का हर सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या, छात्र संख्या नहीं, कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तीसरा पेड़ 3 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, हर कक्षा के 3 अनुभाग हैं और अब 12वीं तक ऐसा ही चल रहा है। अब ये ध्यान देना है, तीसरे हरेक का 3 सेक्शन है, पहली के भी 3 सेक्शन है, दूसरी के भी 3 सेक्शन है, तीसरी क्लास के भी 3 सेक्शन हैं, समझे इस बात को, तो तीनों सेक्शन 3-3-3 पेड़ लगाएंगे। चौथी क्लास का हर सेक्शन 4-4-4 पेड़ लगाएगा, प्लस टू का हर सेक्शन 12-12-12 पेड़ लगाएगा। क्लियर, क्वेश्चन क्या है, करना क्या है, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, क्योंकि प्रत्येक कक्षा के 3-3 अनुभाग हैं। क्लियर भाई, प्रत्येक कक्षा के 3-3 अनुभाग हैं, इसलिए पहली या प्रथम कक्षा द्वारा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें, लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर है। कैसे करोगे, 1+1+1 यानी 3, फिर आप लिखोगे दूसरी कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, 3 सेक्शन है, 2 पेड़ पहला सेक्शन लगाएगा, 2 दूसरा लगाएगा, 2 तीसरा लगाएगा, तो 2+2+2 कितने पेड़ हो गए भैया, 6, यानी 2×3 हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, तीसरी कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 3×3=9, 3×6=9, फिर कितने पेड़ लगेंगे, 12, और 12वीं कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 12+12+12 यानी 36। इनका सम निकालना है हमने। अब आप लिखेंगे कि पेड़ों की संख्या से बनी श्रृंखला, पेड़ों की संख्या से बनी श्रृंखला क्या बनी भाई, 3, 6, 9, 12 और 36। यह एपी है, ए 3 है, डी 3 है,
एन 12 है और आपने एस 12 ज्ञात करना है। ठीक है, करके दिखाऊं, कर सकेंगे। ये देखिए 12 बटा 2, 2 ए यानी 6 जमा एन माइनस 1 इंटू डी, शॉर्ट में कर रही हूँ मैं, तो 2 छिके 12, 6 और 11 तीय 33, 6 जमा 33 39 और ये हो जाएगा 6 इंटू 39, 69 जा 54 कैरिंग 5, 63 जा 18 प्लस 5 234 प्लांट्स पूरा जो स्कूल है वो मिलकर लगाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ ये स्टेटमेंट समझने की थी जो मैंने आपको डायग्राम से भी, एरो डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की है और यहाँ मैंने डिटेल भी लिख दी है कि आप अपने नोटबुक में क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि प्रत्येक कक्षा के तीन तीन अनुभाग हैं, बस इतना ही सफिशियंट है और फिर आप ऐसे लिख कर श्रृंखला बनाएंगे। साथ में आप ये ज़रूर बताएंगे कि यह श्रृंखला एपी है, इसीलिए हम एपी का यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो हमें कोई और मेथड देखना पड़ता या हम डायरेक्ट भी सम कर सकते थे। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, मैं साथ साथ डायग्राम भी बनाती हूँ। केंद्र ए, देखिए भाई ये ए कोई पॉइंट है, ठीक है, ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से ए और बी को केंद्र लेते हुए, पहले ए को केंद्र लिया फिर बी को, बी कहाँ है, बी तो दिख ही नहीं रहा, तो बी यहाँ है, ठीक है भाई। पहले ए पे कंपास रखा और एक वृत्त खींचा, फिर बी पे रखा और एक और खींचा और 0.5, 1.5, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। स्टेटमेंट पढ़ते समय बच्चों को लगता है पता नहीं क्या डाल दिया। देखो भाई, ए पे कंपास रखा और एक सर्कल बनाया जिसकी त्रिज्या, सेमी सर्कल अर्धवृत्त बनाया जिसकी ये त्रिज्या कितनी है, 0.5 है। अब बी पर देखो, मेरी बात को समझना, ए पर प्रकार रखा और ये अर्धवृत्त खींच दिया। अब बी पर प्रकार रखा और एक नीचे की तरफ, नीचे की तरफ अर्धवृत्त खींचा, तो भैया वो ये चला गया, थोड़ा और बढ़ जाएगा ना एक तक, ये ऐसे आपका अर्धवृत्त बनते चले जाएंगे, ठीक है, आप कहीं तक ले जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है भाई। ये आपकी वो दे रखी है फिगर, तो उस फिगर को जरा ध्यान से समझें। ए पर कंपास रखा, ये अर्धवृत्त खींचा, पूरा नहीं खींचा, पूरा अगर मैं आपको खींच के दिखाऊं तो ये डायग्राम कुछ कैसे बनेगा, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें कि ए पर मैंने कंपास रखा तो भैया ये अर्धवृत्त आपका बेटा जी बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, जिसमें से नीचे वाले वृत्त को हमने खत्म कर दिया, इरेज कर दिया, डिलीट कर दिया। समझ में आ रही है मेरी बात आपको, ए और बी, ठीक है। अब बी पे कंपास रखा है भाई, अब बी पे कंपास रखा और बी पे कंपास रख के यहां पर, और बी पे कंपास रख के एक त्रिज्या का हमने ये वृत्त खींचा पूरा, ये देखिए, इसमें से ऊपर वाला उड़ा दिया, ठीक है, उड़ा दिया इन द सेंस कि उसको इरेज कर दिया। हम केवल अर्धवृत्त ले रहे हैं और उन्हीं अर्धवृत्तों की सहायता से सर्पिल बोल देते हैं इस फिगर को। ये ए है और ये अपना बी है, ठीक है, तो ये ए है और ये बी है और ये आपका डायग्राम ऐसे चल रहा, थोड़ा सा ये बी और इधर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अब क्वेश्चन क्या है आपका कि स्पाइरल बोल देते हैं सर्पिल को इंग्लिश में, स्पाइरल, सर्पिल, सांप की तरह, ठीक है। ये फिगर आप आगे अपनी बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, तो आप एक बात का ध्यान करें कि क्वेश्चन क्या है कि पहली त्रिज्या है 0.5, दूसरी त्रिज्या है 1, तीसरी त्रिज्या है 1.5, चौथी त्रिज्या है 2। आपने ये त्रिज्या नहीं लेनी है, कहीं आप इन त्रिज्याओं को एपी मान लो। तो क्वेश्चन क्या है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? 13 अर्धवृत्त,
तो देखिए बेटा, ये पहला अर्धवृत्त, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां चल रहा है, ऐसे 13 अर्धवृत्त बनेंगे, तो उनकी लंबाई कितनी है। अब ये लंबाई से क्या मतलब है भाई? पहला अर्धवृत्त देखो, पहला अर्धवृत्त ये है, ये जिसके ऊपर मैं ये ब्लू बाउंड्री लगा रही हूँ, ठीक है भाई, ये है आपका पहला अर्धवृत्त। इसकी लंबाई से क्या मतलब है? अगर मैं इसको खोल के सीधा कर लूँ तो वो तो लंबा हो गया, ये तो अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त की लंबाई, उसका परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो भाई ये अगर सर्कल है तो सर्कल की जो आउटर बाउंड्री होती है वो सर्कमफ्रेंस होती है, परिधि होती है। और वही अगर इसी सर्कल को मैं काट कर सीधा कर लूँ, आपको मैं एक तार दूँ और उस तार को मोड़ कर सर्कल बनाओ, तो जब आप उस सर्कल को खोलोगे तो जो तार की लंबाई है वही सर्कल की लंबाई है, ठीक है। तो सर्कल की लंबाई से मतलब क्या है? सर्कल की जो लेंथ है, जो आउटर बाउंड्री है, जो सर्कमफ्रेंस है, वो परिधि, वो उसकी लंबाई है अगर सर्कल को काट ले। ये सर्कल नहीं है भाई, ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त की जो परिधि है वो इसकी लंबाई हो जाएगी। तो ये तो L1 है, ये नीचे वाला मान लिया हमने L2 है, ऊपर वाला मान लिया L3 है। माना 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की लंबाइयां, माना 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की लंबाई क्या है? L1, L2, L3 और L13, ठीक है, बात यहां तक समझ आ रही है? L1, L2, L3, L4 और L13। एक अर्धवृत्त की जो लंबाई है वो उसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों? वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो अर्ध परिधि क्या हो जाएगी? πr हो जाएगी, क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि सबकी त्रिज्याएं लिखे आप पहले बारी बारी से, कि सबकी लिखोगे तो बड़ा लंबा पड़ जाएगा, उसकी बजाय हम छोटा लिख देते हैं। यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, माना 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की लंबाई L1, L2, L3, L13 है, और 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो क्रमशः क्या हैं? 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो पहले अर्धवृत्त की लंबाई, ध्यान देंगे मेरी बात पर, L1, ठीक है, और वो क्या होगी? पाई आर वन। आर वन माने इसकी त्रिज्या, 2πr पूरे वृत्त की परिधि होती है, πr अर्धवृत्त की परिधि होती है। तो आप इन्हें नाम दे दीजिएगा, R1, R2, R3, और R1, R2, R3 AP बना रहे हैं, तो ये πr1 हो गया, πr1 सेंटीमीटर, यही ऐसे लिख लीजिए। पहले दूसरे अर्धवृत्त की, पहला था ना ये हो गया, दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई L2, ये हो जाएगी πr2, चाहे आप यहाँ कर लीजिए π × 0.5, ये होगी π × 1.0, किसी को मत छेड़िए, हम आगे जाकर सॉल्व करेंगे। और ऐसे चलते चलते 13वें अर्धवृत्त की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी? πr13 सेंटीमीटर, और πr13 अब हमें पता नहीं है कितना है, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब सर्पिल की कुल लंबाई, अभी आप कहीं भी एपी मेंशन नहीं कर रहे हो, कहीं भी, लास्ट में करेंगे। तो सर्पिल की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L13, ठीक है, L1, L2, L3, L13। L1 का मतलब भाई πr1, πr2, πr3 और बेटा जी πr13। सब में से पाई कॉमन ले लो, तो R1 जमा R2 जमा R13। अब आप यहां मेंशन, पाई के साथ ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं बन रही, लेकिन जब हमने सब में से पाई कॉमन ले लिया तो अंदर जो टर्म बचती है वो एपी है। तो यहाँ आप लिखेंगे, क्योंकि R1, R2, R3 AP हैं, जिसमें A यानी प्रथम पद कितना है? 0.5। D कितना है? एक और आधा में कितना फर्क होता है? 1.0 माइनस 0.5 कितना हो गया भाई? 0.5। और N आपका कितना है?
तेरह। तो इस पाई को अगर मैं छोड़ दूं तो ये अंदर वाला सम एस तेरह है। तो पहले इस अंदर वाले सम को निकाल लीजिए, पहले अंदर वाले सम को निकाल लीजिए, आर वन जमा आर टू जमा आर तेरह, ठीक है भाई। तो ये हो गया 0.5 जमा 1.0 जमा 1.5 और आर तेरह को ऐसा ही रहने दीजिए क्योंकि हमारे पास सब चीज़ें हैं यहाँ। तो ये बनेगा 13/2 एन बटा दो, दो ए, दो ए का मतलब 0.5 प्लस एन माइनस वन यानी 13-1। और बेटा जी डी भी 0.5 है और 0.5 का मतलब होता है 5/10, ठीक है भाई। अब मैं इसे ऊपर करती हूँ, आप यहाँ से अपना नोट कर लीजिएगा। तो ये देखिए बेटा जी ये कितना आया, एस तेरह कितना आ रहा है 13/2 और जीरो को, टू को 0.5 से करेंगे भाई, आधा को जब हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा, तो ये तो 1.0 बन जाएगा। 13 में से जब हम एक माइनस करेंगे 12 × 5/10, 5 × 2 = 10 और भाई 2 × 6 = 12 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 13/2 × 7 तो 13 × 7 कितना होता है 91/2, ये एस 13 आया। अब ध्यान देंगे ये है हमारा एक्चुअल क्वेश्चन, सर्पिल की कुल लंबाई को अगर मैं एल मान लूं तो इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर देती हूं हा? इक्वेशन नंबर 1 से जो एल आ रहा था वो क्या आ रहा था, पाई इंटू आर वन जमा आर टू जमा आर तेरह, ठीक है भाई। इसको मैंने नाम दिया था एस तेरह, तो पाई की वैल्यू तो हम लेंगे 22/7, क्यों लेंगे क्योंकि आपकी बुक में मेंशन है। और ये वैल्यू कितनी आ रही है 91/2, तो ये तो हो गया 11/13 और ये आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इतना भी नहीं था कि भाई आपको बिल्कुल ही समझ ना आए। ये हमने सेंटर लिया, एक अर्धवृत्त खींचा, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, उस अर्धवृत्त की लंबाई उसकी त्रिज्या से निकल आएगी, फिर दूसरा खींचा, फिर तीसरा, और सबकी त्रिज्याएं आपको दे रखी हैं। तो अब आपके पास बच क्या जाता है करने के लिए, आपको इनका जोड़ करना है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ये एपी नहीं है क्योंकि जब आप इसको इसमें से घटाएंगे और इसको इसमें से घटाएंगे तो डिफरेंस सेम नहीं आएगा, पाई बीच में अड़ेगा आपका, इसलिए हमने पाई कॉमन लिया। और पाई को कॉमन लेते ही जो अंदर की टर्म है वो एपी है, उसका सम हमने एपी से निकाला और बाद में बाहर पाई हमने लगा दिया। तो आप थोड़ा आराम से स्लो करके इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगी आपको आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। तो बेटे ये था क्वेश्चन नंबर 18, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि 200 लट्ठों लॉग्स ऑफ वुडन, वुडन लॉग्स बोलते हैं ना लकड़ी के लट्ठे, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। पिक्चर आपको दे रखी है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा भाई, सबसे नीचे ज़्यादा फिर उस पर रखोगे तो और कम। भाई ये पेन है मेरे पास, मान लीजिए 4-5 पेन हैं और मैं ये ऐसे रख रही हूँ, 4 पेन नीचे रख रही हूँ तो मैं ऊपर 3 ही पेन रख पाऊंगी, ये देख लीजिए है। 4 के ऊपर 5 नहीं रख सकते क्योंकि जो लट्ठे हैं वो गोल हैं, फिसल जाएंगे। तो नीचे अगर 200 हैं तो उससे कम फिर कम फिर कम, एक मतलब कम होता चला जाएगा, यहाँ भी एक ट्रायंगुलर सी शेप बनती चली जाएगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ये अब मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगी, 200 लट्ठे नीचे हैं, ठीक है, 200 नहीं भाई मैं गलत बोल गई, 20 लट्ठे नीचे हैं, उससे अगली में 19 हैं, उससे अगली में 18 हैं, उससे अगली में 17 हैं और ऐसे चलता जा रहा है। टोटल 200 लट्ठे हैं टोटल, ये आप डायग्राम अपना देख लीजिएगा, टोटल यहाँ पर 200 लॉग्स हैं लकड़ी के, 200 यानी इन सब का सम 200 है। तो ये कह रहा है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी कितनी पंक्ति का ढेर लगेगा, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी, तो एन हमने निकालना है पहला काम। और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी हमने निकालना है ए एन, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि भाई मेरे पास ये 8-7 पेन हैं मान लीजिए, तो सबसे निचली में 3, उससे ऊपर 2 और भाई उससे ऊपर तो फिर 1 ही आ पाया ना, तो 3 और 2 5 और 1 6,
छह पेन थे, तो कितनी पंक्ति में आए, तीन पंक्ति में। तो यहां ये पूछना चाह रहा है कि जो 200 लट्ठे हैं वो कितनी पंक्तियों में आएंगे अगर हर पंक्ति में एक एक कम हो। मैं भी तो एक एक कम ही कर रही हूं, आप देखो ना, दिख रहा होगा आई थिंक आपको, तीन पेन ये हैं, तीन के ऊपर मैंने दो रखे, दो ही आएंगे, दो से ज्यादा आ ही नहीं सकते, फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, और दो पे मैंने ये एक रखा, छह पेन थे। तो छह का मतलब टोटल तो वो 200 है, सबसे नीचे 20 है, सबसे ऊपर कितने हैं, मेरे में तो एक है सबसे ऊपर, इसमें पता नहीं कितने हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कितनी पंक्ति बनेंगी और वो सबसे लास्ट टर्म क्या होगी। क्लियर? तो अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं। तो ए तो बेटा जी 20 है, डी आपका 19 घटा 20 माइनस एक है, एस एन आपका 200 है। एस एन का मतलब एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर है 200। भाई एन तो पता ही नहीं है, तो एन टू ए, ए कितना है 20, तो 2 गुणा 20, और एन फिर नहीं पता, डी की वैल्यू माइनस एक, और इस 2 को मैं राइट साइड में ले गई, तो ये 200 से 2 मल्टीप्लाई होकर 400 बन गया। एन ब्रैकेट 20 दूनी 40 घटा एन जमा एक, ठीक है भाई, ध्यान देंगे, 400 40 और एक 41, n ब्रैकेट 41 घटा n बराबर है 400, 41 n माइनस n स्क्वेयर बराबर है 400, और सबको आप जब राइट में ले जाओगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, n स्क्वेयर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर है 0। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि जोड़ो या घटाओ तो 41 आए और गुणा करो तो 400 आए। अब 400 के टुकड़े अगर हम करें तो 40 ढाई भी होता है और 20 20 भी होता है, और क्या करिएगा, अब आप या तो इसको बाय नो उससे कर लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, अदरवाइज आप इसके टुकड़े करेंगे तो 2 गुणा 100 ध्यान देंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 10, ये तरीका मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको फोर्थ चैप्टर करवाया था, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो गया 16 और ये हो गया 25। देखिए जरा ध्यान से, 25 और 16 का जोड़ 41 है और 25 और 16 की गुणा 400 आ रही है, तो इसके टुकड़े बनेंगे 25 और 16, आसानी से आ गया ना हमारे पास, ये मैंने आपको बताया था इनको अरेंज करना है। तो एन स्केयर, इस अगर जिन बच्चों को ये कैसे करना है भाई, मैंने कैसे बताया, तो आप इसके लिए मेरे फोर्थ चैप्टर के लेक्चर देख सकते हैं जो मेरे चैनल पर हैं। तो माइनस में 25 जमा 16 एन जमा 400 बराबर है 0, ध्यान देंगे, एन स्क्वेयर माइनस 25 एन माइनस 16 एन जमा 400, दोनों में से एन कॉमन लोगे तो बेटा जी एन घटा 25, और 16 कॉमन लोगे तो भी एन घटा 25, ठीक है, तो एन माइनस 25 और एन माइनस 16 बराबर है 0, तो या तो 25 लाइन लगेंगी या 16, ऐसा कैसे हो सकता है 25 और 16 लाइन कैसे लगेंगी। उसके लिए हमें जरूरी है कि हम ए एन निकालें, हम ए 16 भी निकाल के देखते हैं और ए 25 भी, कि भाई 16वें नंबर पर कितने लट्ठे आ रहे हैं, कितने लॉग्स आ रहे हैं, तो ए 16 चेक करो तो क्या बनेगा भाई, ए जमा 15d, ध्यान देना, तो ए तो हो गया 20 और 15d का मतलब हो गया माइनस एक, तो 20 घटा 15 यानी 5, यानी 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे आए सबसे ऊपर। अब हम देखते हैं क्या 25 पंक्ति भी पॉसिबल है, ए 25 चेक कर लीजिए, तो ये बनेगा 20 जमा 25 के वजह से 24 घटा 1, भाई 20 घटा 24 माइनस 4, अंतिम पंक्ति में माइनस 4 लट्ठे आ रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू 25 पॉसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू तो आएगी 16, यानी लट्ठों की 16 लाइनें बनेंगी और अंतिम लाइन में 5 लॉग्स 5 लट्ठे रखे जाएंगे। क्लियर? तो ये था बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 19, और अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है, अगर आपको वो गेम समझ आ गया तो क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, अगर आप इन्हें अपने आप से करते हैं तो पूरी एपी पर आपकी कमांड हो जाती है, अदर बुक्स के क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे।
देखिए, अब जरा ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट को और अपनी बुक को सामने रखिएगा। एक आलू दौड़ में, नींबू दौड़ देखी होगी हमने, पोरी की रेस देखी है, एक आलू दौड़ चल रही है। क्या है आलू दौड़? कि आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। तो भैया ये बाल्टी रख लेते हैं हम भी यहाँ पर, ठीक है, ये हमने एक बाल्टी रख दी यहाँ, एक बाल्टी बना दी, टब बना दीजिए चाहे भैया लीजिए, बाल्टी बना देते हैं, बन गई बाल्टी। जो पहले आलू से 5 मीटर दूर है, हाँ, यहाँ से इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा है, आलू नंबर एक, यहाँ एक आलू रखा है, सुने मेरी बात ध्यान से, और अन्य आलुओं को, बहुत सारे आलू दौड़ क्या है कि भाई आलू रख दिए हैं आपने, एक आलू उठाना है बाल्टी में रखना है, फिर आगे जाना है, फिर बाल्टी में रखना है, फिर आगे जाना है, सारे आलू उठाकर आपने भाई यहाँ एक आलू है, फिर आलू है, फिर आलू, वापस आ आकर उन आलुओं को बाल्टी में रखना है। तो अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है और 10 आलू रखे गए। पहले हम इसी बात को समझते हैं, एक बाल्टी है, बाल्टी से 5 मीटर दूर पहला आलू है, उसके बाद ये आलू नंबर दो है, मैं आलू को नंबर यहाँ दो डाल देती हूँ, जो कि ये दूरी है 3 मीटर, ठीक है भाई। फिर ये है भाई अपना आलू नंबर तीन, ये दूरी भी 3 मीटर, और ऐसे कितने आलू हैं? 10 आलू हैं। तो 1, 2, 3 भाई ये 4, 5, 6, 7 आसान सा यही 8, 9, 10, ये है अपना आलू नंबर 10, और इन सब के बीच में 3-3 मीटर का फासला है। क्लियर है यहाँ तक? ये अपनी फर्स्ट पेज पर जो स्टेटमेंट दे रखी थी वो मैंने आपको समझाई है, और डायग्राम आपकी बुक में भी दे रखा है। यहाँ सब जगह आलू रखे हैं, आप आलू रखना चाहो आलू रख देना, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ भाई ये आलू रखे होंगे। क्लियर, चलते हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना आरंभ करती है, निकटतम आलू उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। अब मैं हूं यहां खड़ी हूं, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं यहां खड़ी हूं, मैं दौड़ी पहले आलू तक गई, आलू उठाया, वापस आई, बाल्टी में रखा, रख दिया। अब मैं फिर वापस बाल्टी तक आ गई, फिर मैं आगे तक गई, दूसरे आलू तक गई, दूसरा आलू उठाया, फिर वापस गई और उसको बाल्टी में रखा, फिर तीसरे आलू तक गई, फिर वापस आई, रखा, फिर चौथे तक गई, फिर वापस रखा। ये प्रक्रिया करनी है, एक बार में सारे आलू नहीं उठाने हैं, हर आलू तक प्रतियोगी को जाना है। तो दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे बाल्टी में रखती है, वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? अब समझे मेरी बात को, यहां से हम चलते हैं, पहले आलू को उठाया और वापस आ गए, तो 5 मीटर गए और 5 मीटर आ गए। आप क्या लिखेंगे? पहले आलू को उठाने में तय दूरी, पहले आलू को उठाने में तय दूरी 5 जमा 5 यानी 2 गुणा 5 यानी 10 मीटर। समझे मेरी बात को भाई, मैं यहां खड़ी हूं, दौड़ के मैं गई, 5 मीटर चली, आलू उठाया, 5 मीटर वापस आई, आलू वापस रख दिया, भाई ये गई और ये वापस आई, तो 5 और 5 कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। क्लियर, ये आलू हमारे रास्ते से अब हो गया गायब, भाई है ही नहीं अब आलू, खत्म, मैं वहीं की वहीं खड़ी हूं जहां हूं या आप खड़े हो। तो अब आप क्या करोगे भाई? 5 और 3 8 मीटर जाओगे और 8 मीटर वापिस आओगे, तो दूसरे आलू को उठाने में तय दूरी। इस बात को आपने समझना है कि मैं यहां खड़ी हूं तो 5 और 3 8 मीटर पर दूसरा आलू है, जाएंगे आलू उठाएंगे और 8 मीटर वापिस आएंगे, तो 2 गुणा 8 यानी 16 मीटर, बल्कि 2 गुणा 8 मत करना, पहले आप यहां मेंशन करना 2 गुणा 5 जमा 3, भाई 5 जमा 3
तीन, तो 5 और 3 8 यानी 2 गुणा 8 यानी कितना हो गया बेटा 16 मीटर। ठीक है भाई, अब ये दूसरा आलू भी गायब हो गया। हम 2-3 स्टेप तो जरूर करेंगे। अब हम तीसरे आलू की बात करते हैं। तीसरा आलू फिर बाल्टी तक आ गए भाई, दूसरा आलू बाल्टी में डाला तो बाल्टी के पास आ गए। अब फिर 5 3 3 5 और 3 8 और 3 11 तो तीसरे आलू को उठाने में तय दूरी 5 जमा 3 जमा 3 गुणा 2, पहले ब्रैकेट जोड़ेंगे, 5 और 3 8 और 3 11 2 गुणा 11 कितनी हो गई 22 मीटर, 10 16 22 एपी बनती जाएगी। हर बार 6 6 मीटर की दूरी बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार चौथे आलू को उठाने में जो दूरी तय होगी, सारे नहीं करना आपने, 3 जमा 3 3 6 3 9 और 5 14 2 गुणा 14 28 मीटर एंड सो ऑन। तो अब आप क्या लिखेंगे, कितने आलू हैं 10, तो 10 आलुओं को उठाने में तय कुल दूरी, ठीक है भाई, कुल दूरी क्या बन रही है 10 जमा 16 जमा 22 जमा 28 और जमा 10वां पद, ऐसे लिख के छोड़ दो। 10वें आलू तक की दूरी की कोई जरूरत नहीं है निकालने की। अब आप लिखें कि यह श्रृंखला एपी है, यह श्रृंखला क्या है, तो सीरीज बन जाती है। यह एपी है जिसमें ए 10 है, डी 6 है और एन भी आपका 10 है। आई थिंक अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एस 10 कितना हो जाएगा 10/2, 2a डायरेक्ट कर रही हूँ भाई मैं, 2 × 10 जमा n-1 × d, क्लियर। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा और d कितना था भाई, d 6 था, d की वैल्यू 6 थी, तो 10 × 2 = 20, तो 5 तो बाहर आ गया बेटा, 10 × 2 = 20, 10 में से एक गया 9 और 9 × 6 = 54 और ये हो गया बेटा जी 5 × 74, 5 × 2 = 20, 5 × 7 = 35 और 2 × 37 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है 10 आलुओं को उठाने में, लगभग 1/3 किलोमीटर। ठीक है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो उसका लगभग 1/3 ही हो गया, 1/3 से ज़्यादा ही लगभग पड़ जाता है, तो ये दूरी तय की गई है। तो आप डायग्राम बनाएं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये बात लिखनी पड़ेगी कि पहला आलू बाल्टी से 5 मीटर दूर है और अन्य आलुओं के बीच में 3-3 मीटर की समान दूरी है। ठीक है, जो शुरुआत है वो बता रही हूँ मैं, शुरुआत में या तो आप डायग्राम बनाएंगे या आप लिखेंगे कि पहला आलू बाल्टी से 5 मीटर दूर है, जो मैं बोल रही हूँ उसको स्लो करके लिख लेना नोटबुक में, पहला आलू बाल्टी से 5 मीटर दूर है, अन्य आलुओं के बीच में 3-3 मीटर की दूरी है, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 और ये थी आपकी कंप्लीट एपी। अभी इसमें एक ऐच्छिक एक्सरसाइज और दी गई है, एक्सरसाइज 5.4 जिसमें 5 क्वेश्चन है, तो ये मैं अभी बाद में कराऊंगी क्योंकि अभी हमें थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करना है, ये एग्जाम के पर्पस से नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा सीखना हो तो आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं ये एक्सरसाइज भी आपकी अपलोड करूँगी अपने चैनल पर। तो बेटा जी ये था कंप्लीट चैप्टर नंबर 5। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर मेरे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं या आप मुझे कोई सजेशन देना चाह रहे हैं तो वो बताएं, और अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक बटन प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि मेरे लेक्चर आपको जैसे ही नया डलता है आपको मिल जाए। एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।